Hello students of class 3. Today we are here with chapter 6 Textment. Students, हम लोग देखते हैं कि Textment क्या है. Textment हमारा MS Paint की तरह एक drawing software है जिसमें कि हम लोग drawing बनाते हैं. तो देखते हैं कि हम लोग Textment को start कैसे करते हैं. सबसे पहले हम लोग start पर क्लिक करते हैं. उसके बाद प्रोग्राम में क्लिक करेंगे, Textment पर क्लिक करेंगे. नहीं तो हमारे डेस्कटॉप पे टक्स पेंट का हमारा आइकन दिया हुआ है, उसमें हम क्लिक करेंगे, हमारा टक्स पेंट विंडो हमारा ओपन होगा. ये है हमारा टक्स पेंट. मेरा टक्स पेंट मेरा स्टार्ट हो गया. ये हमारा टक्स पेंट है. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टक्स पेंट. व्हाट इज टक्स पेंट एंड हाउ आर यू मेकिंग ड्रॉइंग अट्रैक्टिव इन टक्स पेंट. मेनी टाइम्स यू ड्रॉ पिक्चर इन पेपर, but same things we can do it in TextPaint. Children, TextPaint हमारा एक wonderful software है जिसमें कि हम लोग picture draw करते हैं. TextPaint has many tools and sub tools. When you click TextPaint, you can see the TextPaint window. बच्चे, जब हम लोग TextPaint start किए तो हमारे सामने ये TextPaint का window open हुआ. In TextPaint, left side is tool and right side is sub tool. TextPaint जब हम लोग open किए तो ये हमारा ये left side में क्या tools है और right side में हमारा कुछ tools का ये sub tools है. तो सबसे पहले हम लोग new में क्लिक करेंगे. new में बहुत सा हमारे पास में color है, किसी भी color को हम लोग select कर सकते हैं. select करने के बाद हम लोग open में क्लिक करेंगे. ये हमारा TextPaint विंडो है. इन TextPaint वी कैन क्रिएट ए ब्यूटीफुल ड्राइंग. ठीक है, तो ये हमारा TextPaint है. ये हमारा यहाँ टूल्स है, सारा टूल्स है. इधर हमारा ब्रश है. ये जो बीच में हमारा व्हाइट एरिया देख रहे हैं, ये हमारा वर्किंग एरिया है, या इसको हम लोग ड्राइंग एरिया भी कहते हैं. अब नीचे बहुत सारा कलर्स भी है, कलर्स का हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे जो है हमारा है बहुत सब वैरायटी ऑफ ब्रशेज है. अब थिक भी है, थिन भी है, मोटा है, पतला है, वैरायटी ऑफ हमारा ब्रश है. लेकिन जब हम लोग TextPaint ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है हमारा ये पेन टूल जो है ये हमारा सिलेक्टेड रहता है, ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है हमारा ये पेन टूल. आज हम लोग डालेंगे इसमें कौन कौन सा टूल्स है और उस टूल्स का क्या क्या सब टूल्स है और उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं. सबसे पहले बच्चे हम लोग पेंट पे क्लिक किए. पेंट में क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ जितना भी देख रहे हैं सब टूल्स, ये मोटा है, पतला है, जैसा भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे वैसा भी हम लोग यहाँ बना सकते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ बना रहे हैं, बनाए अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा हमारा ये पतला हमारा ब्रश जो है हम उससे कर सकते हैं. अगर यहाँ पे हम ठीक लिए तो बच्चों देखो यहाँ पर हम जो बनाएंगे वो ठीक बनेगा. तो ये क्या है हमारा ब्रश है और ब्रश का जो हमारा शेप एंड साइज है, छोटा है, मोटा है, पतला है, उस तरह से हम लोग इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. इसको मिटाने के लिए हम लोग इरेजर का टूल का यूज करते हैं. इरेजर पर क्लिक किए और यहाँ पर क्लिक किए, हम यहाँ पर इसको इरेज कर दिए. ये स्टाम्प टूल है. स्टाम्प टूल में क्या है, ये हमारा स्टाम्प्स है. यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो बच्चे यहाँ स्टाम्प्स हुआ. इसके साइज को हम लोग बड़ा छोटा भी कर सकते हैं. इस इधर कॉर्नर साइड में यह देख रहे हैं, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये साइज हमारा बड़ा होता चला जाएगा. देखो बच्चे अब क्लिक करेंगे, साइज हमारा बड़ा हुआ. और नीचे क्लिक करेंगे तो देखो ये साइज हमारा छोटा हो गया. इस तरह का साइज को भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं. इसको फिर से हम लोग इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टूल क्या है. अब लाइंस, लाइंस में क्लिक किए तो यहाँ ब्रश है बहुत सा है. देखो भैया हेजी टूल है. यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे तो हमारा ये हेजी टाइप का आएगा, लगेगा हेजी हेजी टाइप का. देखो बच्चों यहाँ देख रहे हैं इस टाइप से हमारा आ रहा है. ये सेप टूल्स,
स्टेप्स में क्लिक करेंगे तो वेराइटी ऑफ स्टेप्स है। यहाँ पे हम क्लिक किए, सर्किल में क्लिक किए, कलर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हम जिस कलर में सिलेक्ट करेंगे उसी कलर से हमारा ये ड्राइंग हमारा बनेगा। देखो बच्चों, यहाँ हमारा सर्किल है, ये फिल्ड सर्किल है। फिर हम कलर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम सर्किल बनाए तो सर्किल हमारा क्या हुआ, फिल्ड हुआ, फिल्ड सर्किल बना। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे एरो है, नीचे और बहुत सारा डिजाइन है। देखो यहाँ स्टार है, देखो स्टार में क्लिक हुआ, हम इसमें जितने सारे यहाँ सब टूल्स है, सब टूल्स का हम लोग क्लिक करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ अंडू है, अंडू में क्लिक करेंगे जो जो हमारा जो बनाए थे वो हमारा वापस चला जाएगा। ये है ABC, इसमें क्लिक किए, अगर हमें कुछ लिखना है तो यहाँ हमारा टेक्स्ट का हमारा ये स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल, वहाँ क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हम किसी कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो कुछ हमको लिखना हो वो हम लिख सकते हैं। देखो बच्चे हमें लिख लिए, यहाँ हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, साइज को बड़ा करना है बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। वी विल सी रेस्ट पार्ट इन पार्ट 1B। दैट्स